हुआ जब मैंने वो वीडियो देखी और आपने अपनी ड्यूटी परफॉर्म की थी, उसके लिए आपको ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात। तो मुझे ज़रा बताओ क्या वाकया क्या हुआ था उस दिन। मैडम हम रूटीन की टेस्ट कर रहे थे, 15 की कॉल पे जा रहे थे, गली में दो तीन गाड़ियां। 15 पे क्या कॉल आई थी आपको? कोई लड़ाई झगड़े टाइप थी। अच्छा, फैमिली की। ओके, तो उधर जा रहे थे तो रास्ते में ड्राइवर कहता कि सर दो तीन गाड़ियां खड़ी हैं, मशकूक लग रही हैं, एक बाजार सा था उसमें, इनका चेक कर लेते हैं। उधर गए तो ये आगे जा रही थी गाड़ियाँ, ड्राइवर वो गनमैन उतरा, उसने जाके गाड़ी को रोका और उन्होंने कहा जी टिंटेड ग्लासेस थे इसके। जी अच्छा, और एक ही गाड़ी थी? दो गाड़ियाँ, एक कार थी। हाँ। और एक पजारो टाइप थी। ठीक है, उसको रोक के उन्होंने चेक करना शुरू किया। और ये इलाका कौन सा था? शादीपुर है, नजम पार्क के पास। अच्छा, भगवानपुरा में। अच्छा, तो MPA साहब उतरे हैं, उन्होंने पहले लड़के ने चेक किया, बाद में उन्होंने उतर के कहा जी मैं इस इलाके का MP हूँ, आपने मेरी गाड़ी क्यों चेक की है? मैंने कहा सर मैंने अपनी ड्यूटी की है, अगर आप MPA लड़कों को, मैंने कहा ठीक है छोड़ दें। तो मैंने कहा जी मैंने अपनी ड्यूटी किया है तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। नहीं जी मैं, मेरा इलाका है, आपने मेरी इज्जत नफ्स मजरूह की है, मेरा इलाका मेरी इंसल्ट हुई है, ये आपने बहुत गलत किया है, मैं आइए एक्शन लूँगा, मैं एहतजाज कराऊँगा। मैंने कहा सर मैंने अपनी ड्यूटी की है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं आप मुझसे सॉरी करो, नहीं आप मुझसे सॉरी करो। मैंने कान में भी कहा, मैंने कहा सॉरी देखी थी, सॉरी नहीं बनती, आप मेहरबानी करें तो बाकी ये कैमरे वगैरह बंद करें। मैंने कहा नहीं जी मुझे सबके सामने सॉरी करें। तो मैंने रब्ता करने की कोशिश की, ऐसे साहब का नंबर नहीं था मेरा। तो बाद में फिर मैंने उनसे कहा, मैंने जी अगर मेरी वजह से आपकी इज्जत नफ्स मजरूह हुई है तो मैं उसके लिए सॉरी कर एक्सक्यूज़ कर लेता हूँ, मेरा मैंने कहा इज्जत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन वो इधर देखो मेरी तरफ से यासर आइंदा, आपने अपनी ड्यूटी करने थे, कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगी। आपने अपनी ड्यूटी की थी जी, आपने उनको चेक किया था, वो आपकी जिम्मेदारी थी जी, जी। आपने की जी। और आइंदा कभी किसी से अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए माफ़ी नहीं मांगी। जी बस, ठीक है जी। आपका काम यही है और इसी काम के लिए आपको जो है वो स्टेट ने रखा है, तो आपने अपना काम अच्छे तरीके से किया, पूछा, चाहे MPA हो, MNA हो, चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी, कानून से बड़ा कोई नहीं जी। तो आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया और इस बात पे दिल छोटा ना करना। आई एम सॉरी आपके साथ ये हुआ है और मैंने अपने MPA को भी मैंने शो कॉज नोटिस दिए, वो जवाब देंगे उस बात का कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको अपने बिल्कुल आपने इस बात को दिल पे नहीं लेना और बिल्कुल उसी जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटीज जो है वो डिस्चार्ज करनी है। ठीक है, कमैना साहब इनकी फिर ट्रांसफर क्यों किसी ने कर ली? वो DIG साहब ने इमीडिएटली रिपोर्ट लिखा दी कि अगर इस किस्म का कोई भी वाकया हो तो आपने पहले मुझसे बात करनी, मुझसे बात करनी, मेरे पूछे बगैर कोई एक्शन नहीं लेना। ठीक है, और अगर MPA साहब को कोई शिकायत थी जेन्युइनली तो उनको भी मेरे पास आना चाहिए था, फिर हम इंक्वायरी कराते, इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आती है हम उसके मुताबिक एक्शन ले लेते। नहीं नहीं, मेरे इसका बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा मैडम, ये बहुत मोरल बूस्टिंग होगी इससे। नहीं, मैं ये मैसेज जाना भी चाहिए, कोई भी शख्स जो है वो कानून से बालातर नहीं है, चाहे वो बल्कि हम सबको तो कानून का ज्यादा उस पर कानून पर चलना चाहिए ताकि बाकी लोग जो हैं उनको भी हम उनके लिए भी एग्जाम्पल सेट करें। तो यासर आपने बिल्कुल दिल छोटा नहीं करना, थैंक यू, वेरी वेल डन। अपनी ड्यूटी इसी तरह करनी है आपने, किसी से ज्यादती नहीं करनी, ना इंसाफी नहीं करनी, लेकिन अपनी ड्यूटी आपने पूरी जिम्मेदारी से करनी है। ठीक है सर, गॉड ब्लेस यू। ओके मैडम, थैंक यू कमैना साहब, वेरी गुड, खुदा हाफिज़ यासर, खुदा हाफिज़।